हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू होप यू ऑल आर वेल लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स इन दैट एक्सरसाइज 11.3 पॉइंट थ्री पेज नंबर टू हंड्रेड थर्टी थ्री फर्स्ट वन अप एज मैनी एक्सप्रेशन विथ नंबर्स नो वेरिएबल्स हमें वेरिएबल्स कोई यूज़ नहीं करना है वेरिएबल मींस कोई भी अल्फाबेट ए बी सी एक्स वाई जेड वट एज यू कैन फ्रॉम थ्री नंबर्स फाइव सेवन एंड एट एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस यूज ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन तो हमें यहाँ पर यह कंडीशन फॉलो करनी है ये तीन नंबर ही यूज करने हैं एंड एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस एक से ज्यादा टाइम कोई भी नंबर यूज नहीं करना है एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ही हमें यूज करना है तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेवन मल्टीप्लाई फाइव प्लस एट एट मल्टीप्लाई फाइव माइनस सेवन तो डी स्टूडेंट्स इस तरह से आप दूसरे भी कोई लिख सकते हो ओके okay? इसके अलावा सिर्फ ये आपको रूल फॉलो करने फॉर एग्जाम्पल एट प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवन वट एवर आप कोई भी लिख सकते हो ये तो मैंने लिखे ओके okay? आप आपकी तरह भी ये रूल फॉलो करके लिख सकते हो सेकेंड विच आउट ऑफ दीज फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए ए बी सी डी अप टू जी इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ नंबर है तो वो सिर्फ सी एंड डी है ओके कि जिसमें सिर्फ नंबर है बाकी सब में वेरिएबल भी है वेरिएबल यानी कोई भी अल्फाबेट वाई जेड ए बी एन एक्स पी वट ओके तो सी एंड डी में सिर्फ नंबर है तो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन सी एंड डी ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आइडेंटिफाई द ऑपरेशन हमें ऑपरेशन बताना है कि इसमें एडिशन यूज हुआ है सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म एंड वो भी बताना है कि वो किस तरह से बनाना बना है तो हमने यहाँ पे तीन पार्टीशन की है फर्स्ट वन एक्सप्रेशन ऑपरेशन एंड हाउ इट इज मेड तो देखो फर्स्ट वन ए में क्या है जेड प्लस वन तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है एडिशन का क्योंकि प्लस की साइन है अब ये जेड प्लस वन को हम क्या बोलेंगे क्या है उ टू मैट वन इज एडेड टू जेड वन है वो जेड में एड हुआ है सेकंड जेड माइनस वन तो सब वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड याद रखना यहाँ पे फ्रॉम के बाद ही जेड आना चाहिए क्योंकि वन सब्ट्रैक्ट हुआ है किस में से फ्रॉम जेड में से सो जेड माइनस वन ओके बाकी वाई प्लस सेवनटीन वाई माइनस सेवनटीन वो आपको करने हैं ओके okay, इसमें जो भी रिमेनिंग है वो बी सेवनटीन वाई तो यहाँ पे सेवनटीन एंड वाई के बीच में कोई साइन नहीं दिख रही है तो इस तरह का अगर है तो आपको समझ लेना है यहाँ पे मल्टीप्लाई है सेवनटीन एंड वाई के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें समझ लेना है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रूल है ऑलवेज इसी तरह होगा तो y इज मल्टीप्लाइड बाय सेवनटीन y बाय सेवनटीन तो यहाँ पे डिविजन यूज हुआ है y इज डिवाइडेड बाय सेवनटीन ओके सेवेंटीन आएगा रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं सी में टू वाई प्लस सेवनटीन तो यहाँ पे दो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन टू वाई तो टू एंड वाई के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है एंड प्लस की साइन है तो वो एडिशन इसको हम कैसे लिखेंगे वाई इज मल्टीप्लाइड बाई टू एंड एडेड टू द सेवनटीन ओके सबसे पहले वाई है उसको हमने टू से मल्टीप्लाई किया उसके बाद उसको सेवनटीन में एड करना है तो हमें इस तरह से करना है जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करनी है वो लिख के सेम एज इट इज़ है ओके क्वेश्चन नंबर फोर गिव द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस फर्स्ट वन है सेवन एडेड टू पी सेवन को पी में एड करना है तो पी प्लस सेवन ओके B सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P सेवन को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से P में से सो so, P माइनस सेवन ओके यहाँ पे अगर आप सेवन माइनस पी करोगे तो रॉन्ग होगा ओके सेवन सब्ट्रैक्टेड ऐसा बोलूँ आप टू माइनस करो लेकिन कौन से नंबर में से आप पूछोगे सर किस में से टू माइनस करना है तो मैं बोलूँगा फाइव में से तो आप क्या करोगे फाइव माइनस टू उसी तरह सेवन सब्ट्रैक्टेड सेवन को सब्ट्रैक कर रहे लेकिन किसमें से फ्रॉम पी सो पी माइनस सेवन ओके सी पी मल्टीप्लाइड बाय सेवन तो पी पी देन आफ्टर डी डिवाइडेड बाय तो डिनोमिनेटर में ही सेवन आएगा ओके okay? आप सेवन डिवाइड पी करोगे तो रॉन्ग होगा ई सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस एम तो माइनस एम माइनस सेवन हो जाएगा ओके okay? सेवन को सब्रैक कर रहे हैं माइनस एम में से रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ गिव द एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग अगेन हमें एक्सप्रेशन दिया है उसको हमें लिखना है कि वो किस तरह से फॉर्म होगा फर्स्ट वन इलेवन एडेड टू टू एम इलेवन एड हो रहा है किसमें टू एम में तो हमारा इक्वेशन क्या ये एक्सप्रेशन का ये फॉर्मेशन हो जाएगा टू एम प्लस इलेवन बी इलेवन सब्टेड फ्रॉम टू एम इलेवन सब्ट हो रहा है किस में से टू एम में से सो टू एम माइनस इलेवन देन आफ्टर सी डी ई इसी तरह के इजी है आपको करने हैं हम एफ कर रहे हैं वाई इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस एन माइनस एट ओके तो पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस एट वाई एंड इज एडेड टू द रिजल्ट फाइव है एड हो रहा है रिजल्ट इज सब्रैक्टेड फ्रॉम सिक्सटीन याद रखना रिजल्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से फ्रॉम सिक्सटीन तो फ्रॉम के बाद डी स्टूडेंट्स जो भी नंबर अल्फाबेट है वो हम पहले लिखेंगे फ्रॉम वर्ड के बाद जो भी नंबर अल्फाबेट है वो हम पहले लिखेंगे एंड उसमें से जो रिमेनिंग पार्ट है वो सब होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस जो y मल्टीप्लाई फाई किया वो इसमें से सब होगा सो सिक्सटीन माइनस फाइव वाई एच वाई इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस फाइव एंड द रिजल्ट इज एडेड टू सिक्सटीन 16 में एड हो रहा है प्लस so, क्या है वाई इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस फाइव तो यहाँ पे प्लस की साइन किया इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा ताकि दोनों साइन एक साथ ना हो जाए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो ब्रैकेट में माइनस फाइव आई हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग टी एंड फोर यूज नॉट मोर देन वन नंबर्स ऑपरेशन एवरी एक्सप्रेशन मस्ट है यहाँ पे हमें कंडीशन फुलफिल करनी है ये एक्सप्रेशन में t N4 उसका ही यूज करना है एक से ज्यादा ऑपरेशन यूज नहीं करने हैं एंड सब एक्सप्रेशन में t होना ही चाहिए तो यहाँ पे मैंने लिखा है T माइनस फोर टी प्लस फोर टी डि सॉरी t डिवाइड फोर हाँ सॉरी t डि फोर आएगा फोर डिवाइड टू फोर टी आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है सिर्फ ये कंडीशन इतनी फुलफिल करनी है फोर एंड टी यूज़ करना है ऑपरेशन एक ही यूज़ करना है ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन चारों में से कोई भी एक ही यूज़ करना है एंड सब में टी आना ही चाहिए सेकंड, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग वाई टू एंड सेवन एवरी एक्सप्रेशन मस्ट है इट यूज़ ओनली टू ऑपरेशन टू नंबर ऑपरेशन दिस शुड बी डिफरेंट लेकिन यहाँ पे हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी है वाई टू एंड सेवन का यूज़ करना है आ, सब में वाई यूज़ होना चाहिए एंड हम दो ही ऑपरेशन यूज़ कर पाएंगे तो ये सब बन पाएंगे सेवन वाई प्लस टू टू वाई प्लस सेवन सेवन वाई माइनस टू इस तरह से आप आपकी तरह भी बना सकते हो तो आज हम यहाँ तक कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं ठीक से अच्छी तरीके से ओके थैंक यू